आपके शहर गढ़वा में रांची की ख्याति प्राप्त संस्थान। हमारा पता है द नेक्सस एकेडमी, नियर मंगलम टेंट हाउस, थाना के पश्चिम गढ़वा। 7004714936 या 9576144386। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई मुख्यालय स्थित हरिहर मंदिर में सोमवार को देर शाम में रजामंदी से दो प्रेमी युगलों की शादी उन दोनों के परिजनों ने करा दी। बताया जाता है कि प्रेमिका ममता देवी जरही गांव के नीमिया खंड टोला निवासी अलख चौधरी की पत्नी है। वह 7 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। उसके पति, सास ससुर सहित अन्य परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद उसका कहीं पता नहीं चल सका, तो अंत में परिजनों ने डंडई थाने में गुमशुदगी की सनहा दर्ज कराई। सनहा दर्ज के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 1 सप्ताह के अंदर उक्त महिला का बसेरे का शिनाख्त ढूंढी। मैं अपने प्रेमी के साथ डंडा थाना क्षेत्र के कोटा गाँव प्रेमी के किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी कि डंडा पुलिस के सहयोग से प्रेमी प्रेमिका को बरामद कर लिया गया। पुलिस द्वारा सोमवार को दोनों के अभिभावकों को डंडई थाना बुलवाकर दोनों के अपने अपने परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका के परिजनों ने दोनों की रजामंदी से डंडई स्थित हरिहर मंदिर में शादी रचा दी। आप लोग बताइए, आप लोग का शादी जो हुआ है आप लोग के मर्जी से हुआ है या किसी के दबाव? अरे लेकिन सुजा तो रे, शादी मर्जी से हुआ है ना आप लोग का? हैं, कोई दबाव मैंने नहीं हुआ है, जबरदस्ती। नाम क्या हुआ आपका? अरविंद चौधरी। अच्छा, गाँव? आपका क्या नाम हुआ जी लड़की? ममता देवी। पिताजी का नाम जी? शादी किसी के दबाव से हुआ है कि आप लोग दोनों के मर्जी से हुआ है? दोनों को मर्जी से ना? चलिए। जानकारी के अनुसार प्रेमी अर्जुन चौधरी अपनी प्रेमिका के साथ शादी करके जैसे ही घर पहुंचा कि पुलिस ने पुनः उसे हिरासत में लेकर डंडई थाने ले गए। मामले के संबंध में डंडई थाना प्रभारी वीरेंद्र हांसदा ने बताया कि सूचना मिली थी कि वह अपनी पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी रचाने जा रहा है, इसलिए उसे थाने ले जाया गया है। पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। अभी किसी तरह की लिखित आवेदन नहीं मिला है, आवेदन मिलते ही उस पर कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद।